और जो मन के से होते हैं अपने, जिनको हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे मन के मुताबिक बेटी हुई, बहन हुई, और थोड़े बहुत जो भी आपके क्लोज हों उनको देखो, उनको तो बिना किसी को बताए एकदम से परसमी माँ मम्मी रख देती है, बताना मत पापा को, मत बताना, पापा को भी मत बताइयो, भाभी को भी मत बताइयो, भैया के पास चले जाओ, और ले तो और ले जा, जो दे सो भैया। ये माता जी हमेशा गड़बड़ करती हैं बेटी के लिए, जितनी भी मम्मियां बैठी हैं इनका मन हमेशा बहू में कम बेटी में ज्यादा रहता है, ये मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं आज, आज तक कहा नहीं पर अब कह रहा हूं, होता है कि नहीं, बहू में हमेशा दिखेगा कुछ न कुछ अवगुण, जबकि 24 घंटे करना बहू को ही है बेचारी को, ये बहुएं ताली बजा रही हैं मुझे पता है, जितनी भी बहुएं ये सब ताली बजाएंगी क्योंकि मैं इनके दिल की बात बता रहा हूं, बजाओ बजाओ बेटा बजाओ, कोई नहीं, जब भी सासू माँ के पास बैठ जाओ बहू में कमी दिखाती रहेंगी, और बेटी की ऐसी थी हमारी तो मुन्नी, हमारी मुन्नी कभी भी बिना नहाए ना चाय नहीं पीती थी, अरे वो तुम्हारी मुन्नी थी, ये तुम्हारी चुन्नी है, ये कैसे मुन्नी चुन्नी जैसी नहीं हो सकती और चुन्नी मुन्नी जैसी नहीं हो सकती, दोनों अंतर है ना भाई, वो बहू है ये बेटी है, लेकिन माओं का क्या करें, माँ होती ऐसी है, माँ का हृदय अपने बेटे से भी ज्यादा बेटी में रहता है, विशेषकर जो ब्याह जाए बेटी, जिसकी शादी हो जाए, हमेशा वो दिल का टुकड़ा है। लेकिन मैं सासू माओं से एक ही बात कहूंगा, अगर तुम्हारा टुकड़ा कहीं गया है तो किसी का टुकड़ा तुम्हारे यहां भी आया है, ये कभी मत भूलो कि तुमने अगर अपने दिल का टुकड़ा किसी को दिया है तो तुम्हें भी किसी ने अपने दिल का टुकड़ा दिया है। इसलिए जितना प्यार अपनी बेटी से करती हो उतना प्यार बहू से जरूर करो, बहू को वो जगह दो, वो रिस्पेक्ट दो, वो आदर, बहू को इतना प्यार दो कि बहू को ये लगे ही ना कि बेटी में और मुझ में अंतर करती हैं, तो भारतीय बहू कभी आपका अनादर नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है। अब हमेशा कई सासू माँ तो ऐसी होती हैं जो हमेशा बहू के भैया को और मैया को और पिताजी को कोसती रहेंगी, अब तुम उसके मैया भैया पापा को रोज कोसोगी तो एक दिन तुम्हें कुछ न कुछ मिला के खिलाई देगी, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, चार दिन हो गया, दस दिन हो गया, रोज रोज क्यों सुनेगी वो, कोई नहीं सुनेगी, और आपकी सासू आपको सुनाती थी उसका बदला बहू से क्यों ले रही हो, वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है, उस समय तो सासू माँ खड़ी हो जाती थी 3 बजे, अभी तक सो रही है, आज बहू को 6 बजे भी सो रही हो, 7 बजे भी सो रही हो, सासू माँ कह सकती हैं, बोलो कहेंगी, आजकल की सासू माँ भी कम मॉडर्न है क्या, वो खुद ही सो रही हैं 8 बजे तक, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो खैर में घर में फंस गया, ये तो गृहस्थ की बातें हैं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि अगर तुमने अपने कलेजे का टुकड़ा किसी को दिया है तो किसी ने अपना कलेजे का टुकड़ा आपको दिया है, उसका आदर करो, उसकी सत्कार करो, ये जरूरी है। बहुओं से एक निवेदन करूँगा, सासू माँ की डांट आपके लिए वेद वाक्य है, जो अभी बताया ना मैंने, माँ बाप पिताजी कितनी कठिन बॉलिंग करते हैं, इसलिए इसलिए नहीं कि बच्चे को चोट लग जाए, इसलिए जिससे वो परपक्ष हो जाए, परफेक्ट हो जाए। अगर सासू माँ कभी डांटे भी फटकारे भी, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें दुनियादारी सिखाना चाहती हैं, कि वो तुम्हें घर कैसे चलाना है, खुले हाथों से बैठ जाओ तो घर नहीं चलेगा, थोड़े बहुत हाथ क्लोज करके भी रखने पड़ेंगे, अगर पति देव 10,000 कमाते हैं तो 5,000 का ही खर्चा होना चाहिए घर का, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5,000 में घर नहीं चलेगा आजकल, ये मुझे भी पता है, लेकिन आप 10,000 पतिदेव कमा रहे हैं, 12,000 का खर्चा नहीं, 2,000 कहां से लाओगे, ये सासू माँ सिखाती है, अरे नमक कम डाला करो, अरे मिर्च कम डाला करो, अरे एक तेल क्यों भर दिया सारा, घी क्यों भर दिया सारा,
कौन सिखाते हैं? सासू माँ, मम्मी नहीं सिखाएगी, ये सासू माँ का अधिकार की बात है। इसलिए भागवत रिश्तों को भी निभाना सिखाती है।